हेलो चिल्ड्रन, आज हम स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस एंड कर्व बनाना सीखेंगे। स्टैंडिंग लाइन STANDING, स्टैंडिंग लाइंस LINES। ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन्स। स्लीपिंग लाइन SLEPING। स्लीपिंग लाइन्स LINES। स्लीपिंग लाइन्स ये हमारी स्लीपिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन SLANTING। स्लैंटिंग लाइन LINES। स्लैंटिंग लाइन ये हमारी स्लैंटिंग लाइन। कर्ण CURVING। कर्ण ये है हमारी कर्ण। आज हम फर्स्ट चैप्टर सीखेंगे। ये है हमारी फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन को हम बच्चों को बनाना कैसे सिखा सकते हैं? ये देखो, मैं टू डॉट्स की इसको हम ऐसे टच कर देंगे डॉट से डॉट को। ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन्स। नंबर दो, स्लीपिंग लाइन्स। स्लीपिंग लाइन्स को भी हम कैसे बना सकते हैं? ऐसे टू डॉट्स करेंगे, फिर उसमें डॉट को डॉट से टच करेंगे। ये है हमारी स्लीपिंग लाइन्स। नंबर तीन, स्लैंटिंग लाइन्स। स्लैंटिंग लाइन्स में भी हम टू डॉट्स करेंगे ऐसे, डॉट से डॉट को टच करेंगे। ये है हमारी स्लैंटिंग लाइन्स। स्लैंटिंग लाइन्स को हम दोनों साइड कर सकते हैं। ये है हमारी स्लैंटिंग लाइन्स। चार, कर्ण। देखो, ऐसे दो डॉट बनाएंगे उसको ऐसे। ये है हमारी ओपन कर्व। ये है हमारी ओपन कर्व OPEN, ओपन कर्व। नंबर पांच, ऐसे टू डॉट्स बनाएंगे, ऐसे राउंड करेंगे। ये है हमारी क्लोज कर्व।
कर्ण। नंबर सिक्स, ऐसे टू डॉट्स करेंगे, इनको हम ऐसे राउंड में डॉट को डॉट से टच करेंगे, ये है हमारी अपकर्ण। अपकर्ण नंबर सेवन, ऐसे फिर से डॉट्स करेंगे और हम कर्व को राउंड करेंगे, ये है हमारी डाउन कर्व। बच्चों अब हम इन लाइन से इंग्लिश अल्फाबेट बनाना सीखेंगे। नंबर वन है स्टैंडिंग लाइन, ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन। नंबर टू है हमारी स्लीपिंग लाइन, अब हम स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन को मिलाकर इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ वर्ड्स बनाएंगे, जैसे आई एल ई एफ एच टी, इनमें आई में स्लीपिंग लाइन्स एंड स्टैंडिंग लाइन्स, एल में स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ऐसे ई में स्टैंडिंग लाइन एंड थ्री स्लीपिंग लाइन, एफ में स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ऐसे ही एच में स्टैंडिंग लाइन, टू स्टैंडिंग लाइन्स एंड वन स्लीपिंग लाइन्स, टी में वन स्लीपिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन। नंबर थ्री स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ये है हमारी स्लैंटिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन। अब हम इंग्लिश अल्फाबेट में स्लैंटिंग लाइन से इंग्लिश अल्फाबेट बनाएंगे, जैसे ए, इसमें हम स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ए के स्टैंडिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, एम स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, एन स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, वी में डबल स्लैंटिंग लाइन, डब्लू स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, एक्स डबल स्लैंटिंग लाइन, वाई स्लैंटिंग लाइन्स, जेड स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन,
अब हम कर्म बनाएंगे। कर्म से जो वर्ड्स हम बना सकते हैं वो अब हम इंग्लिश अल्फाबेट में बनाएंगे। कर्म कर्म ये है हमारी ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। ओपन कर्व में हम इंग्लिश अल्फाबेट से कुछ वर्ड्स बनाएंगे, जैसे बी स्टैंडिंग लाइन एंड क्लोज कर्व, सी ओपन कर्व, डी स्टैंडिंग लाइन एंड क्लोज कर्व, जी ओपन कर्व स्लिपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, जी स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन एंड मरी अप कर्व। अब हम अप कर्व बनाएंगे। अप कर्व एंड डाउन कर्व। अप एंड डाउन कर्व में पी स्टैंडिंग लाइन एंड क्लोज कर्व, आर स्टैंडिंग लाइन क्लोज कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन डाउन कर्व एंड अप कर्व, यून अप कर्व। ये है हमारा एंटी क्लोव। एंटी क्लॉक में हम बच्चों को ओ एंड क्यू बनाना सिखाएंगे। ए एन टी आई, सी एन ओ सी के, डब्ल्यू आई एस ई। एंटी क्लॉक वाइज हम ओ एंड क्यू वर्ड्स बना सकते हैं।